कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी नेताओं ने हाथों में भारतीय संविधान की किताब ली और तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए। यह प्रदर्शन 18वीं लोकसभा पहले सत्र के शुरू होने के अवसर पर हुआ, जो सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ। आज और कल नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। इसी बीच इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार की कथित तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना था। नेताओं ने कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रदर्शन न केवल एक राजनीतिक संदेश था, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। चलेगा।